दुनिया भर में 14 जून का दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे मनाने का मकसद समय समय पर रक्तदान कर कई लोगों की जिंदगियां बचाने वालों को धन्यवाद देना, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना भी है। रक्तदान को महादान कहा गया है। 14 जून को पूरे विश्व में रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह इस वजह से मनाया जाता है कि जो रक्तदाता हैं, जो रक्तदान करते हैं, उनका सम्मान किया जा सके और साथ में ही उन और लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे साथ अंकुर हैं, वो पिछले कई सालों से आगरा में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मतलब कोई एक आधी दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन इस तरह का कार्य ना करते हों, वो जो है दिन हो या रात हो, हर वक्त ये उसी काम में जुटे रहते हैं। साथ में आपको बता दूं, कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे से नज़दीक नहीं आ रहे थे, उन लोगों को जाकर उन लोगों ने मदद की, प्लाज्मा की मदद की, ब्लड की मदद उन्होंने कराई। अंकुर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीनियर से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज आपको, जो इतने सालों से आप जो ये नेक काम जो कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं? हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दिन डिफरेंट होता ही नहीं है। मतलब हमारे लिए आज का दिन कोई बहुत स्पेशल डे नहीं है, लोगों के लिए एक स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि वो एक स्पेशल डे के तरीके से इसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे और ऐसे उनके लिए वॉलंटरी ब्लड डोनर्स डे या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हमारे लिए ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन रहती है, केसेस आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं कि अगर हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं और कर पाते हैं तो कर देते हैं। ये बताएं कि मतलब जो है कि थोड़ा सा कि आप मतलब इतने मतलब एक युवा हैं और मतलब युवा इस उम्र में पैसे कमाने की सोचता है, आगे पढ़ने की सोचता है, मैं बाहर विदेश जाने की सोचता है, पर ये जुनून मतलब कहाँ से आया कि लोगों की ज़िंदगी बताने, ये मतलब ये आइडिया दिमाग में कैसे आया आपके? सर ये सब ना होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है। इमोशनल कनेक्ट क्या है कि कई बार आप देख कर कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं कि ये आपके दिल से जुड़ गई है। मेरा दोस्त, 2006 की बात है, मैं ग्रेजुएशन में जस्ट एडमिशन लिया था, 12th पास स्टूडेंट था मैं एक, और मेरे दोस्त का डेंगू हुआ और उससे बहुत क्रिटिकली ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, प्लेटलेट्स चाहिए थे। पहली बार सुना था प्लेटलेट्स नाम की कोई चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया उसे बचाने के लिए, हाउएवर हम लोग उसे नहीं बचा पाए, पर हम लोग ने ब्लड डोनेट पहली बार किया और तब समझ में आया कि ये एक बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बढ़िया, बहुत नेक काम है, हर जगह आप मदद कर रहे हैं, और भी टीम के मेंबर साथ में उनसे बात करेंगे। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब कोई ब्लड दान करता है या फिर आप खुद देते हैं तब? सर ऑब्वियस ही बात है, ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा ही फील होता है कि आपके सामने जिस किसी को ज़रूरत होती है और आप उसकी जान बचा पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ शायद ही इस दुनिया में है। आपके सामने जैसे हमारे साथ थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो कि ब्लड हर 15 दिन बाद उनको चढ़ता है, तो अब उन्हें हर 15 दिन बाद ब्लड चाहिए ही चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि काफ़ी लोग मतलब रक्तदान करने के लिए आते हैं पर कुछ उसमें से पीछे हट जाते हैं कि हम कैसे दें, हमें कमज़ोरी आ जाएगी या हमें कुछ और कोई बीमारी नहीं हो, तो उसके लिए क्या कैसे उनको प्रेरित करते हैं? बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जने उनके पास ये रहता है कि ब्लड देंगे तो हमारे में कम हो जाएगा या हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, जो हमारी साइड से हो सकता है हम वो करते हैं। प्लस हमारे साथ जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर्स भी रहते हैं, तो अगर उनकी कुछ क्वेरी है तो वो डॉक्टर के पास भी भेजते हैं ताकि वो उनको सॉल्व कर पाएँ और उनको प्रोत्साहित कर पाएँ कि वो आगे डोनेट करें, तो ये हमारा ये रहता है। अच्छा, और भी हमारे साथ लोग हैं, मतलब संजय जी आप बताएं कैसा लगता है कि जब इस तरह का जब माहौल देखते हैं और जब सरकारी प्राइवेट जहां भी संभव हो सके आप मदद करने की कोशिश करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, अच्छा बहुत लगता है। और ख़ास बात ये है कि मैं ग्रुप के कुछ चुनिंदा मेंबर्स में से हूँ जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और उसके अलावा मैं जम्बो पैक देने के लिए भी ऑलवेज एलिजिबल रहता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ, एलिजिबल भी रहता हूँ, क्योंकि आज से 11 साल पहले की बात है, 11 नवंबर 2011 के दिन मेरे एक दोस्त की फैमिली में ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई थी, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की। हालांकि मेरे दोस्त को इस बात की जानकारी नहीं थी, मुझे उस दिन इस बात का यकीन हुआ कि ये ब्लड ग्रुप कितना रेयर है और ब्लड डोनेशन करना कितना ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को ज़िंदगियाँ देते हैं, या दिन हो या रात हो, बरसात हो या आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, इनके सामने कोई भी जब भी कोई फ़ोन या सूचना पहुंचती है वो तुरंत उससे संपर्क करते हैं और वह ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। कोरोना काल में जो इन लोगों ने जो टीम बनाकर जो बेहतरीन जो काम किया है, शायद ही आगरा में किसी और ने किया होगा। कैमरामैन अनुप बगल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़।